अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार से निकली चिंगारी यूपी हरियाणा हिमाचल सहित 7 राज्यों में पहुंच गई है। प्रदर्शनकारी इस कदर उग्र हो गए कि कहीं ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया तो कहीं ट्रेनों पर पथराव हुआ है। बिहार में खास तौर पर जमकर बवाल देखने को मिला है। आंदोलनकारियों को काबू करने के दौरान कई पुलिसकर्मी यहाँ घायल भी हो गए हैं। इस आंदोलन का आज दूसरा दिन था और नवादा में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय में पहले तोड़फोड़ की, उसके बाद इस कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। बिहार में जिस तरह से प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं, इसकी वजह से करीब 22 ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। वहीं सड़कों पर जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में अब प्रियंका गांधी का भी एक ट्वीट सामने आया है। अग्निपथ योजना पर प्रियंका गांधी ने लिखा है कि सेना में भर्ती तैयारी करने वाले युवाओं की आंखों में देश सेवा और माँ बाप का सेवा, परिवार और भविष्य के तमाम सपने हैं। नई योजना उन्हें क्या देगी? 4 साल बाद न हाथ में नौकरी रहेगी और न ही पेंशन, यानी कि नो रैंक नो पेंशन। युवाओं के सपनों को ना कुचला जाए। ये ट्वीट के जरिए केंद्र पर प्रियंका गांधी ने हमला बोला है। लेकिन जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस योजना को वापस लेने की मांग भी की जा रही है। मेरा नाम अक्षय रावत है। अच्छा जी। आज रोड शो किया है, जी प्रदर्शन किया, क्या है पूरा मामला? टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ कर वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तमाशा ही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम जान दे देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहनते तो। जितनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, और दूसरी बात हमारी अगर नई बात मरे हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल हम नहीं जाएंगे। हम मरे हुए समान है, हमारी सांसें छीन ली गई है, छीन लो सांसें हमारी फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है।